नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 1 जनवरी 2024 है और आज नए साल के पहले दिन शेयर बाज़ार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर्स के लिए आज बहुत ज़बरदस्त अच्छी खबर निकल करके आई है। वो खबर एक नए आर्डर के मिलने से है जो कि बहुत ही भारी भरकम आर्डर है, और जब ये आर्डर इनके हाथ लगने वाला है तो अब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ सूत्रों के अनुसार से ये खबर बाज़ार में निकल करके आई है कि भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने एक ज़बरदस्त आर्डर प्राप्त किया है एनएलसी के उड़ीसा प्रोजेक्ट में, जिसकी की कीमत है 19,422 करोड़, जो कि एलएनटी के आर्डर से इनका लोअर प्राइस कहा जा रहा है। तो इतनी भारी भरकम कि यदि इनको प्रोजेक्ट्स की ये डील मिल जाती है, जैसा कि अभी अपुष्ट खबरें हैं मीडिया में खबर आती हैं तो कुछ उसमें दम जरूर होती है। हालांकि अभी भी कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बाज़ार में कोई एक्सचेंज में नोटिस नहीं आई कि इस तरह का कोई आर्डर प्राप्त किया गया, लेकिन उससे पहले ही आर्डर के कंफर्मेशन के होने से पहले ही 5% की आज ज़बरदस्त तेज़ी भेल के आर्डर्स वाले इस समाचार से शेयर्स में बहुत तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो आर्डर्स भेल के लिए आ रहा है उसमें जो लोवेस्ट बिडर भेल के लिए माना जा रहा है, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि एलएनटी ने इसके लिए बिड ही नहीं किया है, और साथ में ये भी खबरें निकल कर के आई हैं कि जो एनएलसी का ये प्रोजेक्ट है वो तालाबिरा उड़ीसा में है और ये लगभग 800 मेगावाट के 3 प्लांट बनने के लिए इनको आर्डर मिला हुआ है। लेकिन अभी भी एक रिपोर्ट और सजेस्ट कर रही है कि इस प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तक लैंड की ही जुगाड़ नहीं हो पाई है। इस तरह से यदि आर्डर मिलता है तो थोड़ा इनको अभी वेट करना पड़ सकता है प्रोजेक्ट को शुरू करने में। तो फिलहाल खबर तगड़ी है, और यदि खबर सही निकलती है तो सर्दिया भेल के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंपनी लास्ट में कितना चल रही है। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट Q2 का रिजल्ट्स आया था सितंबर 2023 का, उसमें इनकी रेवेन्यू हुई थी 5,125 करोड़ की, जबकि उसके पिछले साल सितंबर 22 में 5,203 करोड़ की सेल हुई थी। इस तरह से सेल में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ी सी रेवेन्यू कम होती दिखाई दे रही है। इसी तरह से यदि नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सितंबर 2023 में लॉस में है कंपनी 233 करोड़ की, जबकि सितंबर 22 वाले एक साल पहले लगभग 10 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और यदि आप Q1 के रिजल्ट्स जून 2023 के देखेंगे तो वहाँ भी कंपनी लॉस में है 352 करोड़ की। लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी लॉस में चल रही है, रेवेन्यू में कोई ख़ास इजाफा नहीं दिख रहा है। तो आने वाले समय में यदि भेल को इतना तगड़ा आर्डर मिल जाता है जो कि इनके 1 क्वार्टर के सेल्स का लगभग 1/3 से ज़्यादा इनकी रेवेन्यू बढ़ा सकता है, तो सर्दियां भेल फिर से लॉस को कवर करके प्रॉफिट में आ सकती है। तो फिलहाल हम लोग यही चाहेंगे कि ये खबर सच्ची निकले और भेल का शेयर आगे चल कर के और भी तगड़ी उछाल देखने को मिले। जो निवेशक हैं वो
और आगे चल करके माला माल हो जाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी आज इसकी ट्रेडिंग क्या चल रही है। तो दोस्तों दोपहर के 12:05 हो रहे हैं और भेल का शेयर 200 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 रुपये 50 पैसे पर NSE में, और लगभग 4% की तेज़ी के साथ दिखाई पड़ रहा है। आज इसका दोस्तों हाई 204 रुपये 65 पैसे पर मॉर्निंग में चला गया था और यही आज इसका 52 वीक्स हाई है। और यदि 52 वीक्स लो की बात करें तो 27 फरवरी 2023 को बना था 66 रुपये 30 पैसे पर। इस तरह से 52 वीक्स लो से लगभग 3 गुने के ऊपर इस समय इसका रेट चल रहा है, यानी कि शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन रहा है। आज इसका 52 वीक्स हाई बना, यानी कि तेज़ी का माहौल इसमें बन चुका है। पूरा ब्रेकआउट तोड़ करके शेयर्स इसका आगे निकल चुका है, इसलिए इसमें अभी तेज़ी बरकरार रह सकती है। ये खबर भले र्यूमर हो सकती है, यदि कंपनी की तरफ से खबर आ जाती है तो इसको पक्का माना जाएगा, और यदि कंपनी की तरफ से आता है तो सर्दियाँ इसका शेयर 500 रुपये की आपको जुगाड़ करा सकता है। तो दोस्तों मेरी तरफ़ से आप सभी लोग भेल के शेयर्स में अधिक से अधिक अपनी रकम को बनाएं, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।